एक ऐसा उद्योगपति जिनका बचपन गरीबी में बीता और कोई खास डिग्री भी नहीं ले पाई, वह अपनी सोच और मेहनत से आज एक ऐसी बुलंदी पर हैं। हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं करसन भाई पटेल के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करसन भाई पटेल उत्तरी गुजरात के एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। करसन भाई पटेल ने रसायन विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली। उनके सभी साथियों की नज़र में किसी सरकारी विभाग में लैब टेक्नीशियन की नौकरी कर लेना बहुत बढ़िया आइडिया था। करसन भाई पटेल ने भी यही किया, लेकिन उन्होंने महत्वाकांक्षा को कभी छोटा या कम नहीं होने दिया। लेकिन करसन भाई पटेल ने बड़ा सपना देखा, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर के बरामदे में डिटर्जेंट पाउडर बनाने और पैक करने की। यह व्यवसाय वह अपनी नौकरी की बात करते थे। उन्होंने यह काम अकेले किया। वे खुद वॉशिंग पाउडर बनाने, पैक करने और उसे साइकिल पर बेचने जाते थे। अपनी डिटर्जेंट पाउडर को बहुत कम दाम 3 रुपये प्रति किलो में बेचते थे, जो कि दूसरे डिटर्जेंट की तुलना में सिर्फ 1/3 था। इतना सस्ता डिटर्जेंट पाउडर एक इंस्टेंट सक्सेस बन गया। करसन भाई ने अपने ब्रांड का नाम निरमा अपनी बेटी निरुपमा के नाम पर रखा। 3 साल सफलतापूर्वक डिटर्जेंट बेचने के बाद करसन भाई में सरकारी नौकरी छोड़ने के आत्मविश्वास आ गया। नौकरी छोड़ने के बाद करसन भाई ने अहमदाबाद में एक छोटी वर्कशॉप खोल ली। निरमा ब्रांड सारे गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत जल्दी स्थापित हो गया। इसका कारण कम कीमत और उच्च क्वालिटी था। सन 1995 में करसन भाई पटेल ने निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की, जो कि आगे चलकर गुजरात का लीडिंग इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया। आज निरमा ग्रुप की सालाना आय $1 बिलियन है और इसमें 15,000 लोग काम करते हैं। सन 2010 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर करें, और ऐसे भी वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए।